हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज जो इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके इंटर एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। यानी पेपर सेकेंड है आपका मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, और उसमें जो यूनिट सेकेंड है उसका एक चैप्टर आपका है द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हैं ठीक उसका हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ए के पावर ए टी का क्या पढ़े हैं, वन बाई एस माइनस ए पढ़े हैं ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी इनवर्स आप वन बाई एस माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए टी होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आता है तो इनवर्स आप ऑब्वियस से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के कंसेप्ट पे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसमें फार्मूले भी रहेंगे, आपको क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांसेस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। आपको बताया भी दिया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ठीक इनवर्स जो होता है, मैं जो भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं तो जो उसका रिजल्ट जैसे साइन ए टी का रिजल्ट क्या आया है, तो ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपसे अब उसका इनवर्स पूछा जाएगा साइन ए टी। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लाप्लास इनवर्स वन बाई एस के पावर एन प्लस वन। ध्यान से सुनिएगा, हम टी के पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़े थे हम, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एस के पावर एन प्लस वन। तो इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इधर, तो लाप्लास उधर जाएगा, तो टी के पावर एन फैक्टोरियल एन इजकल टू एल इनवर्स वन बाई एस एन पावर एन प्लस वन। अब यही आपसे पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के बस यही आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इसका लाप्लास ये होता है, इसका इनवर्स ये सही यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यानी इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस के पावर एन प्लस वन का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब यही फार्मूला है, ठीक है, एन टी के पावर एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन, हाँ बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। कैसे आया मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए वन बाई एस पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू में, द वैल्यू ऑफ एल इनवर्स वन बाई एस, एन के जगह पे क्या पुट कर देना है इस फॉर्मूले में, एन के जगह पे क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, टी की पावर जीरो हो जाएगा तो वन हो जाएगा, और फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती, वन होती, यानी वन क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस स्क्वायर। अब यहाँ एन के जगह पे क्या पुट कर देना है आपको, एन के जगह पे वन पुट कर देना है, इस फॉर्मूले में वन पुट करेंगे तो टी बाई वन यानी टी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी ए सी डी क्या है, इनकरेक्ट है। समझ रहे हो ना डेफिनेशन। अब फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया, अगेन पूछा द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन बाई एस के पावर फोर इज, है ना। तो आपको फार्मूला दे ही दिया गया यहाँ पर, तो एन के जगह पे अगर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एन के जगह पे अगर इस फार्मूले में हम इसमें हम रख देंगे क्या, एन के जगह पे थ्री रख देते हैं तो टी क्यों डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस माइनस ए, यस माइनस ए। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ई के पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन बाई एस माइनस ए होता है। तो उसका इनवर्स जो है यस वन बाई एस माइनस ए का क्या हो जाएगा, ई के पावर ए टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए के पावर ई के पावर माइनस ए टी कर रहा है तो ये रॉन्ग है, ई के पावर ए टी कर रहा है तो ये करेक्ट है, ये वन ये भी रॉन्ग है, डी ये भी रॉन्ग है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ 1/s-3। अब यहाँ पर a के जगह पे क्या है, 3 है क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, तो e के पावर क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका b करेक्ट हो जाएगा, a इनकरेक्ट है, c इनकरेक्ट है और d भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7 देखिए, द वैल्यू ऑफ एल इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² + a² इज। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का क्या होता है, a/s² + a² होता है। तो इसका इनवर्स क्या पूछा गया है, a/s² + a² इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ए टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पहला, बी इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है, करेक्ट है डी भी इनकरेक्ट है। अब इसी के कंसेप्ट पे, इस फॉर्मूले के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, यहाँ अगर हम a बराबर क्या पुट कर दें, इसमें अगर a बराबर हम पुट कर दें 2 पुट कर दें नहीं 4 पुट कर दें तो कुछ हमारा आ जाएगा, ये तो a इनवर्स 4/s² + 16 तो क्या हो जाएगा, ये किसका इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, साइन 4t का हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 4t का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो स्टॉप करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² + a² की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² + a² की वैल्यू साइन ए टी का हम क्या पढ़े हैं, a/s² + a² अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, 1/ तो इस a को डिवाइड कर देंगे हम इधर, लाप्लास को उधर लेके जाएंगे, तो साइन ए टी डिवाइड बाई a इज इक्वल टू l इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a² + a² तो ये फार्मूला है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, यहीं से ये आया हुआ है, ठीक है। आप सोच रहे हो कहाँ से ये फार्मूला आ गया, तो द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² + a² इज साइन 80 डिवाइड बाई a। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² + a² इज, है ना। तो ये आप जानते हैं क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का क्या होता है, कॉस 80 का होता है s/s² + a² तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस 80 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² क्या 25, तो ऑब्वियस है इसमें आप क्या एक जगह पे 5 पुट कर दीजिए तो 25 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से cos 5t हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस फार्मूला एक बार आप दिमाग में रहेगा तो कुछ नहीं है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² - a² इज, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये कॉस हाइपरबोलिक एटी का बताया गया था आपको, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² - a² होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s/s² - 36 इज। अब ठीक वही फार्मूले पे यहाँ पर एक जगह पे 6 रखा गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन है cos हाइपरबोलिक 6t जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी a, c और d क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अब 14 देखिए, 14 में द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/s² - a² इज।
तो ये कोसाइन हाइपरबोली का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी और डी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन मतलब इन जो फार्मूला है उसी पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3/s²-9 इज, तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, कॉस हाइपरबोलिक 8t, साइन हाइपरबोलिक 3t, साइन 3t, कॉस 3t। ऑब्वियस है यहाँ पे जब एक जगह पे आप रखेंगे क्या 3 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो हमारे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, साइन हाइपरबोलिक 8t, ये बराबर क्या हमने यूज किया है 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। तो ये इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल कुछ नहीं है, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बिल्कुल जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उसी का इनवर्स है, मतलब उल्टा कहे अपोजिट बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन इसका आंसर भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय बाय।